1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए राजनारायण मिश्र, जिनको लोगों का कहना है कि इनकी अंतिम फांसी अंग्रेजी हुकूमत में इन्हीं की हुई थी। आज हम उनके घर पर खड़े हैं, उनके भतीजे से बात करेंगे कि किस तरीके से क्या उस समय हुआ था। ये बताइए, आपके बाबा जी जो पंडित राजनारायण मिश्र जी, जिन जो लखनऊ में शहीद हो गए थे, जिनको फांसी दे दिए गए थे कारागार में, लेकिन आप उनके भतीजे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? सर, हम भतीजे नहीं हैं, हम अमर शहीद राजनारायण मिश्रा जी के सगे भाई श्री लालमन के पौत्र हैं, और हम भी उनके दादाजी के पौत्र ही हैं और परिवार से हैं। 1942 की जो महान क्रांति हुई, श्री राष्ट्रपति वो जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी थे उनकी अगुवाई में, तो ये सभी हमारे दादा लोग और भी साथी इनके, वो सब उनके ही कहने पर, राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी जी थे उनके कहने पर शस्त्र एकत्र करने लगे। उसी सिलसिले में एक जिलेदार की हत्या हो गई हमारे दादाजी से, तो उसमें उनको फांसी दी गई और वो देश के प्रति शहीद हुए और अमर हुए। क्या क्या उसमें घटनाएं हुई जब आपके भाई जो बाबा जी थे उन्होंने जब गोली मारी जिलेदार के, उसके बाद क्या हुआ फिर? जब बाबा जी वहाँ गए तो उन्होंने कहा, देखिए हम मारने के लिए नहीं आए हैं, हमको शस्त्र एकत्र करने हैं और अंग्रेज़ों के प्रति हमको उनको भगाना है, इसलिए सारी सब व्यवस्थाएँ करनी है। तो साथी लोग थे और उनके और जो भाई थे हमारे दादा लोग, उन्होंने कहा ठीक है आप काम कीजिए, हम आपका आशीर्वाद हमारा है और आपका सहयोग रहेगा। तो जब वहाँ हत्या हो गई तो अंग्रेज लोग तीसरे दिन हमारे मकान पर आए, बाबा लोग बताया करते थे। फिर इस मकान को, कच्चा मकान था और सभी भाई इसी में रहते थे, उसको पहले लूटा, उसके बाद गिराया, आग लगा दी और फिर नमक बोवा दिया गया, जो आज भी नमक निकलता है। ठीक, और जितनी संपत्ति थी सभी भाइयों की वो सारी हड़प ली अंग्रेज़ों ने, पैतृक संपत्ति आज भी हम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। फिर जीवन यापन इस समय कैसे किया हुआ? उसके बाद में, उस समय जब शहीद जी हमारे हुए थे तो उस समय पिताजी की उम्र 14 साल की थी, हमारे सगे ताऊ जी हरिशंकर मिश्रा जी वो 18-19 साल के थे, उन्होंने ही शहीद जी को अग्नि दी थी इलाहाबाद में, गंगा घाट पर हमारे ताऊ जी ने उनको अग्नि दी थी शहीद जी को। और फिर उसके बाद में ये लोग बढ़े आगे, पढ़ाई उढ़ाई की, फिर ये थोड़ा बहुत बनाया, उसी में हम लोगों का जीवन यापन चल रहा है। और जो शहीद जी के सगे पौत्र हैं असीम मिश्रा उर्फ बबलू जी हमारे दादाजी, वो आज भी प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, ना तो मकान है, ना जमीन है, ना कुछ है, तो उनको भी दिया जाए और हम लोगों को भी सभी मैं मुआवजा की चीज दी जाए। आज भी उनके परिवार के लोग वो घटना याद करके सिहर उठते हैं। मात्र 24 वर्ष की आयु में राजनारायण मिश्रा जी को फांसी दी गई थी। नवी नमस्ती, एबीपी गंगा, लखीमपुर खीरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।